क्यों डरना पड़ता है इतना बड़े बड़े नेताओं को, क्या जरूरत पड़ गई भाजपा को? पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ रहा है, इस चुनाव में गुजरात में भी पड़ रहा है और अगले जहां जहां इलेक्शन आएंगे वहां भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ेगा। पार्टी कांग्रेस पार्टी चला पाएगी देश को भी और गुजरात को भी, और उसके अलावा किसी बस की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी भी तो जोर कर रही है, कह रही है सीएम हम बनाएंगे, सीएम का भी ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी की गुजरात के अंदर एक भी सीट नहीं आ रही है, एक भी सीट नहीं आ रही है, जीरो है जीरो। अरे वो रोड शो करे कुछ भी करे, उन लोग एक भी सीट नहीं आ रही, जीरो सीट है, जीरो सीट आ रही है। मुख्यमंत्री भी आकर रोड शो कर रहे हैं। अभी पंजाब के जो लोग आए हैं प्रचार में, वो गांव में लोग सब डर रहे हैं कि कौन लोग आ गए इधर। गुजरात कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है, पूरे सूरत में हर जगह पे, हमारी हर विधानसभा में हम लोग पहुँच रहे हैं, हमारे सभी कार्यकर हर हर मोहल्ले तक पहुँच रहे हैं। तैयारी पूरी है, बहुत जबरदस्त तैयारी है और इस बार कंफर्म हमारी सरकार बनेगी। कंफर्म सरकार बनेगी? हाँ कंफर्म बनेगी। कैसे उम्मीद कर रहे हैं कंफर्म सरकार बनाने की? क्योंकि और पब्लिक भी चाहती है? पब्लिक भी चाहती है कि ये 20 साल हो गया, 25 साल हो गया है, तो अभी पब्लिक को भी चेंज चाहिए। अच्छा चेंज चाहिए? हाँ। 27 साल में कितना विकास हुआ है? विकास पागल हो गया है। विकास जो हुआ है वो तो लोगों को पता ही है कि कितना विकास हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। इसके लिए पब्लिक को सब समझ में आ गया है कि वोट किसको देना चाहिए। जाट पाट अब लोग नहीं देखेंगे, और अभी मुद्दा विकास का, दूसरे मुद्दे जो महंगाई का है वो रहेगा, बाकी हिंदुत्व के मुद्दे पे अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि गुजरात को हमने बनाया है, कैसे देख रहे हैं? अब तो वो तो गुजरात तो समझो ना कि पहले था ही नहीं, अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं था, ये मोदी जी आए जब से गुजरात बन गया है तो उन्होंने ही बनाया। चलिए मैं आपको दोबारा आऊंगा भाई साहब, 27 साल का कार्यकाल कैसा रहा? 27 साल में कुछ नहीं हुआ, उन लोग का खुद का विकास हुआ है, प्रजा का कोई विकास नहीं हुआ, पब्लिक का कोई काम नहीं हुआ है। अभी पब्लिक कंटाल गई इन लोग से, बहुत थक गए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा इन लोगों को कुछ आटा नहीं है। गैस का बाटला का 400 रहा, अभी 1000 हो गया। पेट्रोल 65 रुपये था, 105 रुपया हो गया। आप तेल का बाटल देख लो, 100 रुपये का था, 200 रुपया हो गया। सब गरीब आदमी गरीब हो गया, अमीर 5 पूंजीपति उसको पैसा वाला बना दिया। मतलब पब्लिक चला पाएगा गुजरात को सही से? गुजरात एक ही पार्टी कांग्रेस पार्टी चला पाएगी देश को भी और गुजरात को भी, और उसके अलावा किसी बस की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी भी तो जोर कर रही है, कह रही है सीएम हम बनाएंगे, सीएम का भी ऐलान कर दिया उन्होंने। आम आदमी पार्टी की गुजरात के अंदर एक भी सीट नहीं आ रही है, एक भी सीट नहीं, जीरो है जीरो। अरे वो रोड शो करे कुछ भी करे, उन लोग एक भी सीट नहीं आ रही, जीरो सीट है, जीरो सीट आ रही। मुख्यमंत्री भी आकर रोड शो कर रहे हैं? अभी पंजाब के जो लोग आए हैं प्रचार में, वो गाँव में लोग सब डर रहे हैं कि कौन लोग आ गए इधर। पंजाब से जो लोग आए हैं प्रचार के लिए, गामड़े में जाते हैं ना, तो बोले कौन लोग आ गए इधर। अच्छा। तो मतलब पूरा माहौल पूरा बिगाड़ा हुआ, हम लोग ने कुछ सुधारा नहीं है। क्या लग रहा है, मतलब ये वोट काटने के लिए आए? हाँ, बीटी में भाजपा की है और ओबीसी दोनों, बीटी में ओबीसी और दोनों। अच्छा। हाँ। कितनी सीटें ला रहे हैं आप लोग इस बार? हम सरकार बना रहे हैं, सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, हम भाजपा की ज्यादा हम झूठे वायदे नहीं करते। अभी पहले बोलते थे उनका प्रेसिडेंट सी आर पाटिल, हम 182 से 182 जीत रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि हम 150 जीत रहे हैं, अभी वो लोग बोल रहे हम 107 जीत रहे हैं। ऐसा हम झूठे वायदे नहीं करते, हमारी सरकार बन रही है पूरा बहुमत से, कोई रोकने वाला नहीं है, हमारी सरकार बनेगी। भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर पड़ेगा गुजरात इलेक्शन पे? पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ रहा है, इस चुनाव में गुजरात में भी पड़ रहा है और अगले जहां जहां इलेक्शन आएंगे वहां भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ेगा। राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं, सभी लोग उनको आवकार रहे हैं, और मैं बोलता हूँ कि पूरे देश की जो ये लोग यात्रा करेंगे राहुल जी, तब हमारी सरकार कन्फर्म बनेगी। अच्छा, कोई भी बड़ा नेता अभी तक गुजरात नहीं आया है कांग्रेस का, क्या फर्क पड़ रहा है इससे? उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस जमीनी सालों से, जब देश आज़ाद करना था तब से चली आ रही है, उसके लिए नेताओं की जरूरत इतनी नहीं है। अच्छा। वो आम पब्लिक में है उनका, वो आज भी है। अच्छा, मतलब कांग्रेस का हर व्यक्ति नेता आप ये कह रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं वो बात नहीं होती है, हमारा नेता तो नेता ही होता है। हाँ। वो कार्यकर्ता है जो है, वही मेहनत इतनी करेंगे कि वो सब जीत जाएंगे। कितनी उम्मीद कर रहे हैं, कितनी सीटें ला पाएंगे? कांग्रेस सरकार बनाएगी इतना पक्का है। कांग्रेस सरकार बना रही है? बिल्कुल। आम आदमी पार्टी को किससे क्या उम्मीद कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, उसका जमीन पे कुछ नहीं है, खाली हवाओं में है। गुजरात मॉडल कितना बनाया आपने? बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, बहुत इलेक्शन देखे। ये सिविल हॉस्पिटल, गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सूरत की जो दो नीम है, एक पढ़ाई का है एक हॉस्पिटल का है जी, वो दोनों कांग्रेस ने बनाया हुआ है। इधर बीजेपी ने कुछ बनाया ऐसा कुछ दिखाइए, खाली वो लोगों ने फ्लाईओवर बनाए हैं, फ्लाईओवर। अच्छा। उसके अंदर भी वो लोग को भ्रष्टाचार करने के लिए इतने फ्लाईओवर बन रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, कितना विश्वास जीता है गुजरात? वो तो गरीबों को जाके पूछिए तो मालूम पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कितना विकास हुआ है।
विकास नहीं हुआ है मतलब 27 सालों में, बदलने जा रही है इस बार गुजरात? बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक थक गई है, पब्लिक थक गई है भाई साहब, सबका विश्वास नहीं जीता के मोदी जी ने। विश्वास जीते तो पहले जो मुख्यमंत्री बने थे वो तो उसका सिर आया 127, तब से अभी तक आप देखो तो उसका ग्राफ पूरा नीचे जाके आ गया। अभी लास्ट 2017 में जो इलेक्शन हुआ तो 99 पे आ गया। अभी ये बार सरकार लोग की गई, भाजपा गई, ये बार गई, क्या लग रहा है मतलब इसमें टक्कर में कोई नहीं है कांग्रेस के अलावा? कोई टक्कर में नहीं है, कांग्रेस की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से, उसमें कोई बात दो बात नहीं। कांग्रेस का इतना अच्छा कार्यकाल था तो 27 साल से आगे कांग्रेस कहाँ थी, ये सबसे बड़ा सवाल आ रहा है। 27 साल से अभी एंटी इनकमसी बहुत हो गई ना, भ्रष्टाचार हो गया इतना, आप देखो लो मॉडल के नाम पे, गुजरात मॉडल आप किधर भी देख लो आप। अभी 1 तारीख को जो इलेक्शन होगा, वोटिंग डालने जाएंगे स्कूल में, वो भी कांग्रेस ने बनाई स्कूल है। अच्छा। या प्रधानमंत्री वोट डालने जाएगा या मुख्यमंत्री आएगा, वो भी कांग्रेस ने बनाई हुई स्कूल में ही जाने वाले वो लोग। अच्छा। उन लोग ने आज तक कोई एजुकेशन और मेडिकल में किधर भी उन लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं है। अच्छा। और देश की मेन नींव है वो एजुकेशन है, जब एजुकेशन बढ़ेगा ना तब तुम्हारा क्राइम भी कम हो जाता है, सब कुछ कम होता है। एजुकेशन पर काम नहीं किया मोदी सरकार, कुछ काम नहीं किया, बताओ कौन सा IIT बनाया, IIM बनाया, कौन सा यूनिवर्सिटी बनाया, बताइए आप गुजरात गवर्नमेंट का। बड़े नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़कर चले गए भाजपा में, कैसे देख रहे हैं? अभी हार्दिक पटेल तो अभी कितने लोग गए हैं उनका क्या हुआ, उनका भी यही हाल होने वाला है, बहुत लोग गए हैं आप देख लो, अभी से वरुण पटेल गया था, रेशमा पटेल गई थी, किरीट पटेल, कितने लोग गए थे, सबका आप हाल देखो, उनका भी वही हाल होने वाला। भाजपा ने 40 लोगों की लिस्ट बनाई है प्रचार करने के लिए, सारे बड़े नेता पहुँच रहे हैं। अरे वड़ा प्रधान खुद दौड़ रहे हैं यहाँ पे, वड़ा प्रधान खुद उनसे मुंह से बोल रहे हैं, दौड़ना पड़ रहा है वड़ा प्रधान खुद, क्यों दौड़ना पड़ता है इतना बड़े बड़े नेताओं को? हाँ। क्या जरूरत पड़ गई भाजपा को? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा, वो भी पहुंच रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुजरात की जनता समझ गई है बिल्कुल, उनको योगी जी से क्या लेना, उनको इधर लोकल प्रश्न से लेना देना है। अच्छा। हाँ, जो गुजरात का प्रश्न है। तो अरविंद केजरीवाल ने तो मतलब इतना बड़ा दावा कर दिया और उसके साथ साथ उन्होंने अपने CM का भी ऐलान कर दिया है, क्या लग रहा है कि मतलब सरकार बनाने की उम्मीद जागरी उनकी? सबको बोलने का हक है, सब बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं, तो सरकार इस बार कांग्रेस बना रही है? बिल्कुल, पूरी बहुमत से बिल्कुल बनेगी भाई साहब, मतलब पूरी बहुमत से उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, पूरी बहुमत सरकार बन रही है हमारी, पब्लिक बना रही है, पब्लिक जनता खुद बना रही है, मतलब जनता ने इस बार फैसला कर लिया, थक गए इन लोग से, बहुत थक गए, अभी कितनी बार लोग झूठ बोलेंगे, कितनी बार लोग सुनेंगे, थक गए इन लोग से, बदलाव की तरफ जा रहा है इस बार, ये बार बदलाव परिवर्तन की लहर है।